गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गौतम वाजपेयी ब्लॉग्स। आज हम आए हैं न्यू जर्सी के पारसीपनी शहर में और अभी हम हैं श्री गणेश डोसा हाउस में। इनका और एक ब्रांच है जो है जर्सी सिटी में और ये पारसीपनी का ब्रांच है और आज हम खाने वाले हैं साउथ इंडियन फीस। तो चलिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए अमेरिका न्यू जर्सी में साउथ इंडियन फीस्ट। यहाँ पे सांभर ऐसे कंटेनर में रखते हैं, हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं। बहुत ही हॉट, एकदम फ्रेश सांभर। तो अभी आपने देखा हमने सांभर ले लिया है, अभी जाते हैं और हमारा फर्स्ट डिश एंजॉय करते हैं। चलिए हमारे और ये है डोसा। ये हमने बेंगलोर बटर मसाला डोसा लिया है, इसमें ये पोड़ी डालते हैं। इधर थोड़ा देख सकते हैं पोड़ी चटनी पाउडर रहता है, ये गन पाउडर जैसा। और ये आलू मसाला है और ये कोकोनट चटनी में डिप करके अभी ट्राई करते हैं। बहुत ही अच्छा बटर और वो पोड़ी का बहुत अच्छा टेस्ट है। ये कटवजी बहुत ही गर्म है और ये हमारा फेवरेट है दोनों का। आप देख सकते हैं चम्स बहुत ही गर्म है फिलहाल। बहुत सालों बाद इतना मस्त कट मिर्च मिला है हमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने वड़ा को सांभर में डुबा दिया है और इसके साथ खा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है वड़ा सांभर खा के। ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया के किसी होटल में बैठा हुआ हूँ इंडिया में और वड़ा सांभर खा रहा हूँ, या हैदराबाद में या बैंगलोर में। तो वड़ा के साथ हम लोगों ने इडली भी लिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लफी इडली बना है और ये बहुत दानेदार रवा जैसा इडली है। मैं इसको चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। बहुत ही यमी कोकोनट चटनी है। फ्रेंड्स वाकई में यहाँ पे आके इडली डोसा और मिर्ची खा के मज़ा आया। अगर आप न्यू जर्सी में है और पारसीपनी के साइड है तो गणेश डोसा एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आप निराश नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। ये था गणेश डोसा और ये देखिए पल्लवी ने एक फिल्टर कॉफ़ी भी लिया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही रीजनेबल रेट है आपको यहाँ पे। हमने इतने सारे चीज़ लिए, यहाँ पे हमारा बिल लाइक सिर्फ $26 हुआ। इनका मेन्यू बहुत ही बड़ा है, बहुत तरीके के वैरायटी के डोसा मिलेंगे आपको, रवा डोसा मिलेंगे, उत्तपा मिलेंगे, इडली मिलेगा, वड़ा मिलेगा और उसके साथ मिनी थाली भी मिलेगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। चलिए मिलते हैं हमारी जर्नी में आगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं फिलाडेल्फिया और ये आप हमारे पीछे देख सकते हो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो आप ये बस लेके आप बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस है, विजिटर प्लेस है, आप वहां पे उतर सकते हो और फिर चढ़ सकते हो। और अगर मैं इस तरफ घुमाऊंगा तो आप यहां पे घोड़ा गाड़ी देख सकते हो, आप ये घोड़ा गाड़ी का मज़ा ले सकते हो। ये आपको यहां पे राउंड कराते हैं और मेरे को नहीं मालूम कि उसका पैसा कितना है, बट हाँ हम लोग जाके पूछेंगे। बस अगर ठीक उसके बाजू में जो बिल्डिंग दिख रहा है हम वहाँ पे जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे है लिबर्टी बेल। तो फिलाडेल्फिया का हमारा फर्स्ट विजिट है लिबर्टी बेल और ठीक लिबर्टी बेल के पीछे है इंडिपेंडेंस हॉल। तो चलिए अभी देखते हैं लिबर्टी बेल और इंडिपेंडेंस हॉल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पल्लवी तुम कैसी हो? मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ और हमारा थर्ड टाइम है अभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको भी अभी दिखाते हैं लिबर्टी बेल और फिलाडेल्फिया। आप आए यहाँ पे तो लिबर्टी बेल, इंडिपेंडेंस हॉल और एक दो चीज़ें और है वो दिखाएंगे हम ब्लॉग में, वो आप ज़रूर देखिए यहाँ आने के बाद, ये मस्ट है देखना। तो चलिए हमारे साथ फिलाडेल्फिया का मस्ट विजिट लिबर्टी बेल।
जो लोकेशन आपको चाहिए आप वहाँ आपको ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग उन्होंने टाइम्स लिखे उनके अलग अलग डेस्टिनेशन पे। तो आज हम 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं और 2 यहाँ पे ही है वॉकिंग डिस्टेंस, लेकिन एक थोड़ा सा और दूर है। तो हम सोचेंगे अगर इसमें जाएंगे तो ये अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो घोड़ा गाड़ी भी है। तो जैसे पल्लवी ने बोला हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, नहीं तो घोड़ा गाड़ी, देखते हैं हम कौन सा हम ले सकते हैं बोल के। तो पहले लिबर्टी पर चलिए। फिलहाल आपने जो अभी लाइन देखा वो लिबर्टी बेल के लिए लाइन है, तो अभी हम जाके ठहरते हैं लिबर्टी बेल देखने के लिए लाइन में और फिर अंदर चलते हैं। 30 मिनट्स का वेट है, इंतज़ार है, फिर हम जाके देखेंगे लिबर्टी बेल। तो अगर आप अपनी व्हीकल लेके यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ पार्किंग, पब्लिक पार्किंग मिल जाएगा। हमने जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट पार्क किया है जहाँ पर आवर पार्किंग कॉस्ट है। तो जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि हमारा टोटल पार्किंग का कॉस्ट कितना हुआ। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग जहाँ पे एक छोटा सा आपको क्लॉक नज़र आ रहा है, ये है इंडिपेंडेंस हॉल जो बहुत मायने रखता है अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन हिस्ट्री में। और ये जो हम अंदर बेल देखने जा रहे हैं, पहले वो बेल वहाँ पे ऊपर था जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम गिर के टूट गया था, उसके बाद उसको यहाँ पे लाके रखा गया और वहाँ पे एक दूसरे बेल को रिप्लेस किया गया है। तो हम जब अंदर जाएंगे और बेल देखेंगे तो आप बेल पे देखेंगे कि एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ा हुआ है, वो क्रैक जब बेल ऊपर से नीचे गिरा था तब पड़ा। You have your phone out anyway, it gives you an option to download that app while you're waiting. तो फाइनली वो हॉलवे के अंदर आते हुए उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हुए और वो आर्ट गैलरी देखते हुए हम आप पहुंचे हैं लिबर्टी बेल। ये नहीं है लिबर्टी बेल, वो है जो पीछे दिख रहा है लिबर्टी बेल। यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके साथ ठहर के फ़ोटो खींच रहे हैं, तो हम भी जाते हैं थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचते हैं और आपको एक वेरी क्लोज अप दिखाऊंगा बेल का इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये है लिबर्टी बेल और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रैक है और जैसे कि मैंने बताया था ये क्रैक ऊपर से नीचे गिरने की वजह से हुआ है। पहले इस चारों तरफ अलो करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, बट ये जो है लिबर्टी बेल है और आप ये जो पीछे देख रहे हो ये इंडिपेंडेंस हॉल है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है फोटो खींचने के लिए और बाहर भी बहुत सारी लंबी लाइन है क्योंकि कोविड है, बहुत सारे लोगों को एक बार अंदर नहीं छोड़ रहे तो टाइम लग रहा है, इसलिए जल्दी बोल रहे हैं कि आप अपना फोटो खींचो और दूसरों को चांस दो। ये है इंडिपेंडेंस हॉल, यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पे है लिबर्टी बेल। आप देख सकते हैं जो क्रैक हुआ है वो, और ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए अगर फिलाडेल्फिया आ रहे हैं तो, यहाँ पे आना मस्त है। तो फ्रेंड्स ये था लिबर्टी बेल जो आप अभी भी पीछे देख सकते हो और अभी हम यहाँ से निकल के वो जो पीछे है वहाँ पे जाएंगे जो है इंडिपेंडेंस हॉल। और फ्रेंड्स मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये ट्रैवल ब्लॉग फिलाडेल्फिया का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी नीचे छोड़िएगा अगर किसी ने फिलाडेल्फिया और लिबर्टी बेल विज़िट किया हो तो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। ये है इंडिपेंडेंस हॉल।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं इंडिपेंडेंस विजिटर सेंटर्स के अंदर। ये एग्जैक्टली अपोजिट लिबर्टी बेल पार्क के अपोजिट में है और बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। और जैसे हम वॉक कर रहे हैं, हम देखा यहाँ पे एक छोटा सा थिएटर है, यहाँ पे आप देख रहे हो वेलकम लिखा है, अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी मूवी चलती रहती है, वो देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे गिफ्ट शॉप्स है, रेस्ट रूम्स है, आप यहाँ पे आ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और फिर फिलाडेल्फिया घूम सकते हो। तो ये विजिटर सेंटर का गिफ्ट शॉप है, यहाँ पे आप सोवेनियर्स, टी शर्ट्स, कैप्स और बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। ये देखिए इसका एक झलक। ये मेरे पीछे सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो रॉकी मूवी फेमस मूवी था, उसका एक पोर्ट्रेट रखा गया है। ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल जो है वो फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के नीचे है, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये रॉकी स्टैचू है। अगर आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन का रॉकी मूवी देखा है तो ये स्टैचू उस मूवी में किया गया है। ये स्टैचू एक्चुअली यहाँ नहीं था, मूवी में दिखाया गया है कि ये जो म्यूज़ियम दिख रहा है उसके स्टेप्स के ऊपर था, बट मूवी के बाद उस स्टैचू को यहाँ पे रख दिया गया है और यहाँ पे हमेशा बहुत भीड़ रहती है। अगर कोई डाई हार्ट सिल्वेस्टर स्टैलोन और रॉकी का फ़ैन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज भेजो, रॉकी आई लव यू। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रॉकी मोमेंट है। पीछे है मेरे पीछे सिल्वेस्टर स्टैलोन का स्टैचू और ये देखिए मैं रॉकी फैन और ये मेरा हीरो रॉकी। अभी मैंने लिया है यहाँ पे वैनिला चॉकलेट डबल कोन मेरे लिए और गौतम के लिए। बहुत ही यहाँ गर्मी और यहाँ पे आइसक्रीम ट्रक है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी आइसक्रीम ट्रक देख के। तो हमने लिया आइसक्रीम कोन, ये देखिए पल्लवी खा रही है, बहुत ही यमी है। और ये मैं एक बाइक लेता हूँ, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम तो एक बनता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम चढ़ रहे हैं रॉकी स्टेप्स, हम भागेंगे नहीं बल्कि नॉर्मल चढ़ेंगे। और ये आप मेरे पीछे थोड़े स्काई स्क्रेपर्स देख सकते हो, एग्जैक्टली इसके अपोजिट में एक पार्क है, पार्किंग भी आपको मिल जाएगा, बट फिलहाल वो पार्किंग टेम्पररीली बंद है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हो तो म्यूज़ियम का ही पार्किंग है जो थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप म्यूज़ियम में टिकट लेके अंदर जा रहे हो तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। वो जो स्टैचू है रॉकी की वो पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ से निकाल के उसको नीचे यहाँ पे रख दिया है। मैं रॉकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रॉकी मूवी का मैंने सब 6 पार्ट्स कम से कम 3-3 बार देखे हैं। तो यहाँ पे आना मेरे लिए एक जैसा एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जो रॉकी स्टेप्स थे, जहाँ पे जब वो मूवी में बताते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन जब एक्सरसाइज करके भाग के आते हैं तो वो स्टेप्स पे भागते हैं और ऊपर जाके
जो यहाँ पे वेव है वैसा वेव करते हैं, और फिर वो जब चैंपियन बन जाते हैं, ये जो यहाँ पे आप स्टैचू देख रहे हैं वो आपको मूवी में दिखाया गया है कि वो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है स्टेप्स के ऊपर वहाँ पे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम ऑफ आर्ट और रॉकी स्टेप्स। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं हैरिसबर्ग जहाँ पे हमारा होटल है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।